बद्दी एसआईयू टीम ने रात को नाके के दौरान 605 ग्राम चरस की बरामद। नालागढ़ के पास नंगल में एसआईयू टीम ने लगाया था नाका। बद्दी एसआईयू टीम के इंचार्ज लखबीर सिंह की टीम को उस समय एक कामयाबी मिली जब रात को नालागढ़ पंजारा सड़क पर रिवर व्यू होटल के पास नाका लगाया हुआ था तो एक ऑल्टो कार एचपी 24B4288 स्वारघाट से नालागढ़ की तरफ आ रही थी तो चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एसआईयू टीम ने मुस्तैदी से काबू किया तो उसमें बिलासपुर निवासी बलदेव कुमार से 605 ग्राम चरस बरामद हुई। एसआईयू टीम ने कार और आरोपी को कब्जे में ले लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन इसके साथ शामिल है, आज नालागढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। नालागढ़ डीएसपी चमन ने इसकी पुष्टि की। एसआईयू के इंचार्ज हैं, अपने स्टाफ के साथ, पुलिस स्टाफ के साथ जो है ना रिवर व्यू होटल है वहाँ पे उन्होंने नाका लगाया था। इन द मीन टाइम एक स्वारघाट की तरफ से एक मारुति कार आई जिसका नंबर HP24B4288 है, उसको जैसे चेक किया पहले वो गाड़ी वाला पीछे को गाड़ी मोड़ने लगा और भागने लगा था, उसको राउंड अप किया उन्होंने और उसकी तलाशी ली। डैशबोर्ड के अंदर से 605 ग्राम चरस बरामद हुई और गाड़ी के चालक ने अपना नाम जो है वो बलदेव कुमार बताया तो उसको गिरफ्तार कर लिया और NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके सोर्स के बारे में पता करेंगे कि वो कहाँ से लाया था और किसको उसने बेच ली थी। हाँ, उसको आज पेश करेंगे कोर्ट में, आज पेश करेंगे उसको, फिर पुलिस रिमांड उसका प्राप्त करेंगे। अनस्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट।